वीडियो कट होने के लिए सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वीडियो कट हो गया, दो भागों में जाएगा, लेकिन आप लोग दोनों वीडियो को देखेंगे तो पूरा अनुसूची आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए हम लोग देख रहे थे अनुसूची आठ को। अनुसूची आठ में 14 भाषाओं का जिक्र है, यानी अनुसूची आठ में 14 भाषाओं का जिक्र था। वर्तमान समय में अनुसूची आठ में 22 भाषाएं हैं, यानी इस समय अनुसूची आठ में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो 14 के बाद 15वां भाषा क्या था? 15वां भाषा सिंधी था, अर्थात 15वां भाषा 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा, 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा 15वां भाषा सिंधी को जोड़ा गया, जो कहाँ में बोली जाती है? यह भाषा पंजाब में बोली जाती है, यानी सिंधी भाषा पंजाब में बोली जाती है। तो 15वां भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया संविधान में, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 21वीं संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया सिंधी भाषा। उसके आगे 71वां संवैधानिक संशोधन 1992। अब 1992 अगर याद ना हो तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, 21, 71, 1, 1, 2 और 7, 2, 9, 1, 1, 2, 7, 2, 9, यानी 71वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? तो 1992 में, 21 में 71 जोड़ेंगे 92 हो जाएगा, अर्थात 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में तीन और भाषाएं जोड़ी गई। तीन कौन कौन भाषाएं? आसान से याद कर सकते हैं कौन तीन भाषाएं जोड़ी गई। तो नेपाली मणि को दो, जिसमें दो साइलेंट रहेगा, नेपाली मणि को दो, मतलब नेपाली मणि माने मणिपुरी, को माने कोंकणी, को माने कोंकणी। तो 15वां भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया, जो सिंधी भाषा था पंजाब में बोली जाने वाली, और 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा तीन भाषा जोड़ा गया, नेपाली मणि को दो, माने नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी तीन भाषाएं जोड़ी गई। यानी तब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 16, 17, 18, यानी तब भाषाओं की कुल संख्या हो गई 18। इसके बाद क्या हुआ? अब देखिए 21 में 71 जोड़े 1992 आ गया। अब क्या हुआ? यही 92 को यहाँ पर लाएंगे, 92वां संवैधानिक संशोधन, 92वां संवैधानिक संशोधन, 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया? तो 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में, 92वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 2003 में। पहले फिर देख लेंगे, 21वां संवैधानिक संशोधन, संविधान की अनुसूची आठ में मात्र 14 भाषाएं थी, 15वां भाषा सिंधी भाषा जो पंजाब में बोले जाने वाली भाषा थी, 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद से 71वां संवैधानिक संशोधन, तो कब हुआ? तो 21 में 71 जोड़ देंगे यानी 92, यानी 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा संविधान की अनुसूची 8 में तीन भाषाएं जोड़ गई। कौन कौन भाषाएं? नेपाली मणि को दो, नेपाली मणि को दो, मतलब नेपाली मणिपुरी और कोंकणी तीन भाषाएं जोड़ गई। तब संविधान में टोटल 8 भाषाएं हो गई। इसके बाद से यहाँ पर 71वां 1992 में हुआ, तो इस लास्ट वाले 92 को ले लेंगे, और ले लेंगे तो 92वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 2003 में। इसके तहत 18 के बाद कितने बचा? 4। इसके तहत 4 भाषाएं संविधान में और जोड़ी गई। कौन कौन भाषाएं जोड़ी गई? तो उसको याद करने का आसानी से ट्रिक है, आप वॉट मास पढ़े होंगे, वॉट मास, यह मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है वॉट मास का नियम, वॉट मास से आप याद कर सकते हैं, डीओ बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली, एस से संथाली। तो 4 भाषाएं जुड़ गई कब?
52वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा संविधान में और चार भाषाएं जोड़ी गई। आसानी से याद कर सकते हैं, वर्डमास के नियम से बी ओ से बोडो, डी से डोगरी, एम ए से मैथिली और यस से संथाली, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली चार भाषाएं जोड़ी गई संविधान में। तब कितनी भाषाएं हो गई, तो 14 यह, एक सिंधी, 15, 3 यह नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी और 4 यह। तो 4 × 3 = 7 × 8 = 12, यानी टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22। इसलिए प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का जिक्र है इस समय। आगे चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि जिस समय संविधान बना था उस समय केवल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और देखते हैं 9वां अनुसूची क्या है और कब जोड़ा गया। तो 9वां अनुसूची ध्यान से देखेंगे, इस अनुसूची को संविधान में पहला संवैधानिक संशोधन, पहला या प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951, ये भी पूछा जाता है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ। तो इस अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इस संशोधन को किसके द्वारा जोड़ा गया, पहला संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया, जिसमें किसका उल्लेख है, भूमि अधिग्रहण की विधि, भूमि अधिग्रहण की विधि यानी कानूनों का जिक्र है। इसमें 284 विषय है, 284 विषय, यानी अनुसूची 9 को पहला संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। और इसमें क्या है, तो भूमि अधिग्रहण के बारे में उसकी विधियां हैं। इसमें इस समय 284 सब्जेक्ट हैं, 284 विषय हैं। आगे चलते हैं, अनुसूची 10, यानी 10वीं अनुसूची क्या बोलते हैं। 10वीं अनुसूची को 52वां संवैधानिक संशोधन संवैधानिक संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इस अनुसूची को 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान, तो दल बदल कानून, दल एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना, दूसरे पार्टी छोड़ के एक पार्टी में जाना जाना, इसका कानून, इसका नियम किसमें है, अनुसूची 10 में है। और इस अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून को अनुसूची 10 में जोड़ा गया। आगे चलते हैं, अनुसूची 11, को जोड़ा गया, यानी अनुसूची 11 पहले है क्या, अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था, देखिए एक दो क्वेश्चन इससे और देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन, महात्मा गांधी का भी इसमें नाम आता है, पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था, यानी निचले स्तर पर ग्राम में, इसमें 29 विषय टोटल सब्जेक्ट हैं 29। इससे इम्पॉर्टेंट क्या क्वेश्चन है देखते हैं, अनुसूची 11 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन का नियम कौन रखा था, लॉर्ड रिपन रखा था। इस पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूची 11 में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो इस अनुसूची को 73वां संवैधानिक संशोधन 73वां
संवैधानिक संशोधन 1993 में जुड़े। 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया। लेकिन अगर विधेयक पूछे तो 73वां संवैधानिक विधेयक 1992। अब आप पूछेंगे कि 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 है और विधेयक क्यों 1992 है। देखिए, विधेयक का मतलब बिल होता है और यह संशोधन मतलब एक्ट होता है। बिल कब होता है? जब उसको संसद में लाया जाता है, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, तब तक, और जब राष्ट्रपति के पास जाता है तब तक वह बिल रहता है, जब तक कि राष्ट्रपति का अंतरिम हस्ताक्षर उस पर न लग जाए, अंतरिम मोहर न लग जाए। जब राष्ट्रपति अंतरिम मोहर उस पर लगा देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तब वह बिल किस में परिवर्तित हो जाता है? एक्ट में परिवर्तित हो जाता है, अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए यह आया तो था कब? 1992 में। 73वां संवैधानिक विधेयक 1992 में आया था पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूची 11 में जोड़ने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति का सिग्नेचर और हस्ताक्षर 1993 में हुआ, और जब राष्ट्रपति सिग्नेचर अथवा हस्ताक्षर या अथवा मुहर लगाते हैं तभी वह बिल एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अब वह विधेयक नहीं रहा, क्या हो गया? संशोधन हो गया, एक्ट हो गया। यानी तब तो हम कहेंगे 73वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? तो 1993 में। लेकिन 73वां संवैधानिक विधेयक कब आया था? तो 1992। 73वां संवैधानिक विधेयक कब आया था? 1992 में। लेकिन संशोधन अगर कहेगा, एक्ट कहेगा, तो 1993 में। आगे चलते हैं अनुसूची 12 में। अनुसूची 12 में किसकी व्यवस्था की गई? तो शहरी क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की स्वशासन मतलब नगर निगम, इसमें 18 विषय रखे गए। अनुसूची 12 में शहरी क्षेत्र की स्वशासन अर्थात नगर निगम की व्यवस्था है, 18 विषय है इसमें। अब इसको कब जोड़ा गया? इसमें भी ध्यान से देखेंगे, इसको भी जोड़ा गया, इसको भी जोड़ा गया 74वां संवैधानिक संशोधन 1993। देखिए, 74वां संवैधानिक संशोधन का है तो 1993 में, लेकिन संशोधन का मतलब एक्ट 1993 में। लेकिन अगर वही 74वां संवैधानिक विधेयक कहे तो हम लिखेंगे 1992, तब हम टिक करेंगे 1992। मतलब यह भी 74वां संवैधानिक विधेयक माने बिल, बिल का मतलब राष्ट्रपति के संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया, लेकिन राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 1992 में नहीं हुआ, जिसके कारण 1993 में हुआ। अर्थात 1992 में यह बिल ही रहा, लेकिन जब राष्ट्रपति की अंतरिम मुहर हस्ताक्षर लग गया तो यह बिल किस में परिवर्तित हो गया? एक्ट में, अधिनियम में परिवर्तित हो गया, और अधिनियम में परिवर्तित हो गया तो पूरा लागू हो गया। यानी जब तक राष्ट्रपति का अंतरिम मुहर नहीं लगता है तब तक वो पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है कोई भी विधेयक। तो विधेयक एक्ट में कब परिवर्तित होता है? जब राष्ट्रपति अंतरिम मोहर लगाते हैं। तो अंतरिम मोहर लगाए राष्ट्रपति 1993 में, इसलिए नगर निकाय को, नगर निगम को, शहरी क्षेत्र की स्वशासन को, अनुसूची 12 को कब जोड़ा गया? तो 74वां, 73वां में पंचायती राज जोड़ा गया था अनुसूची 11, और 74वां संवैधानिक संशोधन यानी 74वां संवैधानिक एक्ट, संवैधानिक संशोधन 1993 के तौर। लेकिन 74वां संवैधानिक विधेयक बिल अगर कहेगा तो 1992। 74वां संवैधानिक बिल कहेगा, विधेयक कहेगा तो 1992, और अगर एक्ट कहेगा तो 1993। आशा और विश्वास करते हैं कि आप सभी को अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से अनुसूचियां सारी समझ में आ गई होंगी। हालांकि यह वीडियो दो कट में गया है, इसके लिए आप सभी से सॉरी। आज इसके बाद दो कट में नहीं जाएंगे वीडियो, कुछ डिजिटल प्रॉब्लम्स के चलते दो कट में गए हैं। आगे भी मैं मैथ्स पर और इस संविधान के विषय पर भी भाग, इसके आगे भाग कहाँ से स्रोत लिया गया, कौन कौन से स्रोत लिए गए, उसके बारे में चर्चा में करूँगा।
उसके बाद से अनुसूचियों के बारे में चर्चा करूंगा, एक से लेकर जितनी अनुसूचियां हैं, मतलब संविधान जब बना था तो अनुसूचियों की संख्या 395 थी, भाग 22 था, आज भी भाग 22 है, सातवें भाग को अलग कर दिया गया, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत ही एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकता है, एक हाईकोर्ट का क्षेत्र एक से अधिक राज्यों के लिए ही होता है, ये सब सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया, और पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश सातवां संविधान 1956 के तहत भाषा के आधार पर बना पहला राज्य, लेकिन इसका पुनर्गठन 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कर दिया गया था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और कमेंट अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के तहत इसके नीचे लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अधिक से अधिक संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और उसका जवाब पा सकते हैं, क्यूज भी है होता है उसमें, उस क्यूज में भी आप भाग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।